समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है और एक समय था जब नेताजी ने यहाँ पर लड़ाया था, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कई सीटों पर सहमति नहीं बन रही तो कहीं उम्मीदवार ही बदल रहे। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने कहा कि वह मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेंगे। यह घोषणा समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन फॉर्म खारिज होने के एक दिन बाद की गई है। विपक्षी दलों इंडिया ब्लॉक ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेंगे। दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज हो गया है, जिसके बाद इंडिया ब्लॉक ने शनिवार को इस बात की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में इंडिया के सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, हम भाजपा के खिलाफ उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेंगे, हम भाजपा को सबक सिखलाएंगे। इंडिया ब्लॉक एक के बाद एक कई आरोप भी लगा रही है। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए दिन में इंडिया ब्लॉक की एक बैठक। अब आपको बताते हैं कि खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन क्यों रद्द हुआ है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख जीतू पटवारी ने बताया कि मीरा यादव दोपहर 12 बजे से जिलाधिकारी के कार्यालय में मौजूद थी, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को कई बार फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पटवारी के दावे का समर्थन करते हुए सपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख मनोज यादव ने घटनाक्रम के लिए भाजपा की आलोचना की। सपा उम्मीदवार का नामांकन पत्र शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें एक जगह हस्ताक्षर नहीं किया था और पुरानी मतदाता सूची की प्रति जमा कराई थी। वहीं इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया ब्लॉक की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर ये देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों, ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा है। उन्होंने कहा कि जो कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीछे पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। अखिलेश ने कहा, भाजपा बात में ही नहीं काम में भी झूठे हैं और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है। इस घटना का न्यायिक जाँच हो और किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। कुल मिलाकर खजुराहो सीट बेहद हाई प्रोफाइल और विवादों से भरी हुई है, इस पर सियासत लगातार जारी है। हालांकि इंडिया गठबंधन का कहना है कि वो खजुराहो में किसी एक प्रत्याशी का समर्थन जरूर करेंगे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।